तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से ड्राइवर्स कम ओनर्स स्कीम शुरू की गई थी और इसी स्कीम के तहत 28 जून सुबह 10 बजे करीब 67 गाड़ियों को योग्य व्यक्तियों में वितरित किया जाएगा। ये गाड़ियां तेलंगाना के मंत्री के ईश्वर के हाथों नामपल्ली हज हाउस में तकसीम किए जाएंगे। इसी संबंध में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बैंक सब्सिडी स्कीम के तहत 50,000 के लोन की राशि सीधे संबंधित उम्मीदवार के अकाउंट में डाल रही है। 2018 4 सितंबर को जो ओनर कम ड्राइवर स्कीम थी, आज 342 वैकेंसी दिए थे बेरोजगार नौजवानों के लिए, ड्राइवर्स के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर 28 तारीख को जो बचे हुए हैं वो पूरे इंशाल्लाह 28 तारीख को जोज में 10:30 बजे दिया जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे वेलफेयर मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब की शहादत में, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका परमिशन दे दिया, जिस तरह फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम जैसे रुका हुआ था, आज वो ड्राइवर्स खुशी से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनके चेहरों पे एक ईद का माहौल कैसा खुशी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह उनके ही साथियों ने दूसरा छः महीने पहले उन्होंने गाड़ी लिए थे और गाड़ी लेके सीएम साहब का शुक्रिया अदा करें और जिंदगी दाम सीएम साहब के हक में दुआएं करें